नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जन्म कुंडली में बृहस्पति के कमज़ोर होने पर, चाहे आपकी कोई भी राशि है, चाहे आपका कोई भी लग्न है, लेकिन यदि जन्मपत्री में बृहस्पति अति बाल्यावस्था में है, अति वृद्धावस्था में है, पाप दृष्ट हैं, पाप कर्तृ योग में है, तो व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं होता। थोड़ा इसको आप सीरियस समझिए। हमारी ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को सुख का और शनि देव को दुख का कारक माना जाता है। तो जो गृहस्थ सुख है, जो व्यक्तिगत जीवन है, वह बृहस्पति के कमज़ोर होने पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आदमी के पास घर है, गाड़ी है, पर्सनैलिटी है, पैसा है, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की कुछ स्थितियों के बारे में, और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आप जीवन में बहुत खुश नहीं हैं अंदर से, तो बृहस्पति के कुछ सटीक उपाय भी आज की वीडियो में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो साथियों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूजा पाठ, वैदिक कर्मकांड आदि के लिए भी आप मुझसे फ़ोन या व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि अति बाल्य अति वृद्धावस्था में है, 5 डिग्री से नीचे या 25 डिग्री के ऊपर है, तो दैट कंडीशन आदमी की ज़िंदगी में भाग दौड़ लगी रहती है, वह चैन से दो रोटी कभी नहीं खा पाता। बृहस्पति पर शनि राहु केतु की दृष्टि या शनि राहु केतु के साथ बैठने पर व्यक्ति का गृहस्थ जीवन कभी भी बहुत बढ़िया नहीं बीत पाता। कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव, झगड़ा उसके साथ जीवन में लगा रहता है। साथियों, बृहस्पति हमारी ज्योतिष में दूसरे भाव के, धन के और वाणी के भी कारक माने जाते हैं। ज्ञानम सद्गुण मात्मजम च सचिवम स्वाचार्यमाचार्यकम। ज्ञान और सद्गुण बृहस्पति के जन्म कुंडली में कमज़ोर होने पर नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान और सद्गुण के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति का जीवन गलत दिशा में मूवमेंट कर जाता है। तो ज़रूरी है कि आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लग्न है, आप अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को एक बार देखें कि उनके ऊपर पाप दृष्टि तो नहीं है, पाप योग में तो नहीं है। और यदि आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पाप दृष्ट हैं, पाप योग में हैं, तो साथियों निश्चित रूप से आपको कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ। गृहस्थ जीवन और सुखी जीवन का सबसे पहला उपाय है, बृहस्पतिवार के दिन भगवान नारायण के मंदिर में प्रातःकाल मीठे भोजन का भोग लगा करके उसको वहाँ पर बांटें, और बृहस्पतिवार के दिन मॉर्निंग टाइम में एक माला मंत्र करें, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बृहस्पते नमः। साथ ही साथ में बृहस्पति के अधिष्ठात्री देवता है भगवान नारायण, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का व्रत करें, उनकी कथा करें, और पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण के मंदिर में जाकर के 5, 11 या 21 व्यक्तियों को अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन कराएं, तो इससे बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, है क्या, बृहस्पति देवताओं के टीचर हैं, वो प्रिंसिपल हैं देवताओं के, पढ़ाते हैं उनको। जिस प्रकार राक्षसों के जो टीचर हैं वो हैं शुक्र, तो यदि आप अपने गुरुओं का सम्मान करोगे, अपने बड़ों का सम्मान करोगे, एंड जो तपस्वी लोग हैं, साधक लोग हैं, उनका सम्मान करोगे, उन्हें खिलाओगे पिलाओगे, संतुष्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपके बृहस्पति ठीक होंगे। क्योंकि अपनी जाति का हर कोई पक्ष करता है, तो टीचर को यदि आप प्रसन्न रखोगे तो बृहस्पति आपके ठीक होंगे। साथ ही साथ में बृहस्पति का सटीक उपाय है, आप ज़रूरतमंद को पीले कपड़े का दान करें, खासकर ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, संतों को पीले कपड़े का दान करना, जैसा भी वो पहनना चाहें वैसा ही, तो ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। साथियों, बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में मजबूत होनी आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपके जन्म लग्न के हिसाब से, वो ज्योतिष का विषय है, पुखराज रत्न आपको सेट बैठता है, केवल 5 राशियाँ ऐसी हैं जिन्हें पुखराज सेट बैठता है, बाकी को नुकसान करता है, तो आप अपने जन्मपत्री का हस्तरेखा दिखाकर पुखराज रत्न भी धारण करें, तो यह भी आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, मैं कामना करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, अपने दोस्तों में लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, इससे मेरा परिवार बढ़ता है, मुझे खुशी मिलती है। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में निकट भविष्य में भी, तब तक के लिए नमस्कार।